लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी होटल कारोबारियों के साथ मिलकर एक राउंड टेबल डिस्कशन किया, जिसमें पर्यटन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। इस राउंड टेबल डिस्कशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर और सरकार के कई अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र में सर्वोपरि बनाना है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विधानसभा स्थित सभाघर में उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, कार्यदायी संस्था, कृषि मंडी निर्माण इकाई तथा राज्य एवं केंद्रीय कर विभाग की संयुक्त बैठक में शामिल हुए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष रूप से कार्यदायी संस्थाओं को शासन द्वारा जारी धनराशि पर लगने वाले GST के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाधान निकालने के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के लिए अधिकारियों को जल्द आदेश जारी करने के लिए निर्देशित भी किया। सरकार की घोषणा के बाद 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बाद महज 20 रुपए की चौमिन पॉलिथीन में लेकर जा रहे युवक पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान करीब 3 दर्जन व्यक्तियों व व्यापारियों का चलान कर 15,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। प्लास्टिक का उत्पादन करने वालों पर 5,00,000 रुपए व परिवहन करने वालों पर 2,00,000 रुपए, जबकि विक्रेता पर 1,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पॉलिथीन यूज करते पकड़ा गया तो उसे 100 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। पिथौरगढ़ के DM डॉक्टर आशीष चौहान CMO कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि डाटा प्रबंधक ने उनके कई आदेशों पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। DM ने मामले को गंभीरता से लिया और कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने को कहा। नशे में धुत मिले स्वास्थ्य विभाग में तैनात डाटा प्रबंधक पर आरोप लगा है कि उन्होंने DM के फर्जी हस्ताक्षर कर कई आदेश जारी किए हैं। DM डॉक्टर आशीष चौहान ने SDM सदर सुंदर सिंह को मामले की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त IAS रामविलास यादव ने रिमांड के दौरान भी कई सवालों पर चुप्पी साधे रखी। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे विजिलेंस की टीम रामविलास यादव को सुद्धोवाला जेल से बाहर लेकर आई। इसके बाद कोरोनेशन अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया और करीब 11 बजे विजिलेंस की टीम उन्हें लेकर विजिलेंस मुख्यालय पहुंची। करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ में रामविलास यादव ने विजिलेंस अधिकारियों के कुछ सवालों का गोलमोल जवाब दिया तो कुछ सवालों के जवाब में कहा कि फिलहाल उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है। रानीखेत चिलियानौला स्थित GD बिरला स्कूल से बगैर नोटिस 36 कर्मचारियों को निकालने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। GD बिरला स्कूल से हटाए गए कर्मियों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने 2 टूक चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। इधर कर्मियों के समर्थन में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे। उत्तराखंड में हो रही झमाझम बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 7 से 8 जुलाई तक के लिए कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। चेतावनी के मद्देनजर बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।